हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों में लगने वाले कुछ ऐसे कीड़े या फिर फंगस जो कि बहुत ही आसानी से मार्च अप्रैल के महीने में हमारे गुलाब के पौधे में आकर लग जाते हैं। और गर्मी में होने वाली ये जो समस्या है कभी कभी पूरी तरीके से हमारे प्लांट को ख़त्म कर देती है और हमारा प्लांट पूरा का पूरा सूख जाता है। तो जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं आप अपने गुलाब के पौधे पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपने गुलाब के पौधे में कोई भी फंगस या फिर कीड़े दिखाई दें तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मार्च के महीने में ये बहुत आसानी से हमारे गुलाब के पौधे पर लगते हैं। कुछ कीड़े जैसे कि स्पाइडर माइट्स, थ्रिप्स और कुछ फंगस का अटैक भी हमारे गुलाब के पौधे पर बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि जो मार्च का महीना है वो इनके लिए फेवरेबल टाइम होता है। क्योंकि मार्च के महीने में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है। अगर आपको आपके गुलाब की पत्तियों पर कोई ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे या फिर आपको आपके गुलाब की पत्तियों का जो कलर है वो कहीं कहीं से फेड दिखाई दे, ये दूसरा पत्ता है जिस पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो कहीं कहीं से येलो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो सिम्टम है वो है स्पाइडर माइट्स के। स्पाइडर माइट हमेशा ये पत्तियों के पीछे आकर लग जाता है। स्पाइडर माइट जो अटैक करता है वो पत्तियों पर करता है सबसे पहले, और इसकी जो पत्तियों का कलर है वो फेड हो जाता है। स्पाइडर माइट के अटैक होने से इसके जो पत्ते हैं इसके ऊपर कुछ पीले और सफ़ेद धब्बे से दिखाई देते हैं। साथ में इसकी जो पत्तियां हैं वो कर्ल होने लग जाती हैं, मुरझाई हुई सी दिखती हैं, क्योंकि इस समय जो लगने वाले कीड़े हैं स्पाइडर माइट्स, थ्रिप्स, ये पत्तियों का रस चूस लेते हैं जिससे कि पत्तियां बेजान हो जाती हैं, कर्ल होने लग जाती हैं, मुड़ने लग जाती हैं और पत्तियों को देखकर लगता है कि ये जल सी गई हैं। तो ये सिम्टम्स हैं स्पाइडर माइट्स के, थ्रिप्स के, ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अगर हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये पूरा का पूरा आपका प्लांट खराब हो सकता है। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आप उन पत्तियों को हटा दीजिए अपने प्लांट से। ऐसा करने से जो कीड़े लग गए हैं गुलाब के पौधे पर वो आगे बाकी पत्तियों में नहीं फैलेंगे और यहीं पर रुक जाएंगे। पत्तियों को हटाने के अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर आपको अपने गुलाब की पत्ती के पीछे कुछ पाउडर जैसा दिखे, जैसे ये गुलाब की पत्ती आप देख सकते हैं, अगर इसे हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो पीछे कुछ पाउडर जैसी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये जो पाउडर जैसी चीज़ आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, इसको आप अपने हाथ से साफ़ कर सकते हैं या किसी कपड़े की मदद से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पाउडर जैसी चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये कोई कीड़ा हो सकता है या फिर फंगस हो सकता है जो कि आपके गुलाब की पत्तियों के पीछे लग गया है। तो आप इसको हाथ से भी क्लीन कर सकते हैं और किसी कपड़े की मदद से भी हम इसको साफ़ कर सकते हैं ताकि ये जो कीड़े या फिर फंगस लग गए हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाए। अगर हम रोज़ पानी का स्प्रे करें अपने गुलाब के पौधे के ऊपर तो इस पर कोई कीड़ा और फंगस कम से कम लगता है, और अगर कोई कीड़ा और फंगस लग गया है तो वो पानी के तेज़ धार से क्लीन हो जाता है। तो इसलिए आप रेगुलर पानी का स्प्रे भी अपने गुलाब के पौधे पर करते रहें, इससे भी गुलाब का पौधा कई सारे कीड़ों और फंगस से बचा रहता है। ये कुछ ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिसका ध्यान रखकर आप अपने गुलाब के पौधे को लगने वाले फंगस और कीड़ों से आसानी से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा काम आपको अपने गुलाब के ऊपर करना है वो ये है कि आप इसको धूप में रख दीजिए। धूप में रखने से ये जो कीड़े लगे हुए हैं हमारे गुलाब के पौधे पर वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इस धूप की वजह से ये जल्दी से जल्दी हमारे गुलाब के पौधे से ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा काम आपको करना है कि अगर आपके पास घर पे कोई फंगीसाइड है जैसे कि बावस्टीन और साफ, या फिर कोई इंसेक्टीसाइड है आपके पास, तो आप दोनों को मिक्स करके इसका स्प्रे कर दीजिए। मैंने आपको फंगीसाइड और इंसेक्टीसाइड दोनों का स्प्रे करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि कुछ फंगस जो कि हमारे गुलाब के पौधे में लग जाते हैं जैसे कि पाउडरी माइल्डीव्स, इसमें भी गुलाब के पत्तियों के पीछे या फिर गुलाब की पत्तियों पर कुछ पाउडर जैसा जमा हो जाता है। कभी कभी फंगस और कीड़े दोनों ही एक साथ आकर गुलाब के पौधे पर लग जाते हैं, तो इसलिए अगर आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल एक साथ करेंगे तो आपका पौधा जो है वो 100% क्योर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन हमारे गुलाब के पौधे पर एक जैसी दिखाई देती हैं। फंगीसाइड के लिए आप बावस्टीन का यूज़ कर सकते हैं, और गुलाब पर इंसेक्टीसाइड के स्प्रे के लिए आप थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। थीटा जो है वो गुलाब के पौधे
में इंसेक्ट को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छी दवाई है, तो आप थीटा का यूज़ कर सकते हैं। और फंगस को ख़त्म करने के लिए आप बावस्टीन या फिर साफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने गुलाब के पौधे के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे गुलाब के पौधे नहीं होते हैं, एक या दो घर पे गुलाब के पौधे हैं और उसके ऊपर फंगस या फिर कीड़ा लग गया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक घरेलू नुस्खा, जिससे कि आप काफ़ी हद तक अपने गुलाब के पौधे को कीड़ों से और फंगस से बचा पाएंगे। उस नेचुरल पेस्टिसाइड को हमें कैसे बनाना है, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए जो दो चीज़ें मैंने ली हैं वो आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएंगी। पहली जो चीज़ है वो है हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, तो बहुत सारे कीड़ों के लिए और फंगस के लिए ये एक नेचुरल दवाई है। दूसरी जो चीज़ हमारे पास है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी हमें हमारे घर के किचन में मिल जाता है। बेकिंग सोडा लेना है आपको, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है आपको। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा हम लगभग एक लीटर पानी में इसको घोल देंगे। इसके लिए जो पानी लेना है आपको लगभग एक लीटर लेना है। आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। इस स्प्रे का यूज़ आपको अपने गुलाब के पौधे में हमेशा शाम के टाइम करना है। आप इसका स्प्रे सुबह में या दिन में ना करें। अगर आप सुबह में इसका स्प्रे करेंगे तो इसका पानी जल्दी सूख जाएगा, तो इसलिए इसका स्प्रे हमेशा आपको शाम के टाइम करना है। इससे ये जो दवाई हमने तैयार की है ये ज़्यादा टाइम तक आपके पौधे की पत्तियों पर बना रहे, ये ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े और फंगस को ख़त्म करेगा, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हमेशा आप शाम के टाइम करें। स्प्रे करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप पत्तियों पर अच्छे से स्प्रे करेंगे, इसका पत्तियों के नीचे आप इसका स्प्रे अच्छे से करें, क्योंकि स्पाइडर माइट पत्तियों के नीचे ही अपना घर बनाते हैं। ज़्यादातर जो कीड़े हैं वो पत्तियों के नीचे लगते हैं। जब भी आप इस पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो आपको अपने गुलाब के पौधे को तेज धूप वाली जगह से हटाकर करना है। इस स्प्रे को आपको अगले दिन फिर से रिपीट करना है। स्प्रे का इस्तेमाल आपको लगातार 3 दिन करना है। इससे जो भी फंगस या कीड़ा आपके गुलाब के पौधे पर लग गया है वो नेचुरली ही ठीक हो जाएगा और आपको बाहर से कोई फंगीसाइड या फिर इंसेक्टीसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।